उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड। वैष्णो माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे पहाड़ों की खबर, शुद्ध क्षेत्र खबर, आपका अपना चैनल वैष्णो माउंटेन। खबर दिगुली खाल से। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 22 तारीख को अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की पूरी तैयारी चल रही है। वहीं देश भर में उनके अयोध्या में मूर्ति स्थापना पर निमंत्रण देने के लिए अक्षत पूरे देश भर में वितरित किए जा रहे हैं। दिगुली खाल में भी कल अक्षत यहां पर पहुंचे और आज दिगुली खाल से शुरू हुई कलश यात्रा में अशोक घाट से लेके जमरिया, दिगोली, उटड़ा, बटुला, गोलीखाल के आसपास के एम बिरखेत सिरके बरात कनाथ दिगोली की महिला मंगल दलों ने यहां पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और यह कलश यात्रा पूरे क्षेत्र में भ्रमण करती हुई लोगों को चावल का अक्षत वितरित करते हुए उन्हें आमंत्रित किया। भारी संख्या में क्षेत्र के लोग और राम भक्त इसमें मौजूद रहे। यहां से जायजा लिया हमारे सहयोगी दशरथ रावत ने। देखिए रिपोर्ट। प्रसाद ले लो, प्रसाद लो। हाँ, एक राउंड। प्रेम सिंह जी अहमदगढ़ तिराला नले जो कि अदल खाली क्षेत्र में आंद और प्रेम सिंह जी भी हम पहुँच रही दिल्ली रहेंदी। प्रेम सिंह जी भगवान रामचंद्र जी की पूरे देश में राम मैया हो रहा है, विश्व भी हो रहा है, सनातन भी हो रहा है, तो कन लग में आप तो आजकल एक गांव गले हम आए। सबसे पहले तो आप जो वॉइस ऑफ माउंटेन सब दर्शक तो थे हमारे तरफ की जय श्री राम। और जो राम मैया जो हमारे पूर्व भारत, पूर्व उत्तराखंड, पूर्व हर एक राज्य, ये बहुत ही एक तरह इमोशनल जो है हमारे
हमर जो जो हमकड़े एक इमोशनल हो च कि इतना सालों बाद कम से कम 500-550 सालों बाद ये हमकड़े एक अच्छा अवसर आ रहा है। और विशेष तौर पर जो माननीय मोदी जी को माननीय योगी जी को सहयोग से यू बन में और माननीय सुप्रीम कोर्ट सहयोग से बन में बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सब लोग जो ये में जो अब इन लगाओ कि यू पहल बार लग में कि जो इतना लोग जन जन पूरा अयोध्या से लेके पूर्व हर एक स्टेट वक न्यूज में देखो कह में देखो कि हर क्षेत्र में हर जय श्री राम च इंडिया से लेके बाहर बाहर कंट्री से लेके सब जगह बल्कि एक राम जी का मंदिर बनना कितना उत्साहित थी लोग इतना उत्साहित थी कि जो 22 तारीख का जो निमंत्रण निमिलने बाद जो अगले कद्दा दिन तक जो वो अपर अरेंजमेंट कर आना को आखो और बहुत बहुत मैं तो बोलूँ जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी का कलश यात्रा और ये उत्तराखंड में पहुंच गया और नई नांडा ब्लॉक का दिगल ख्याल क्षेत्र में पहले दिगल ख्याल से पूर्व बाजार में यह कलश यात्रा निकल वो एक बार दिगल गांव बैठी सिरखेत बिरखेत और किनार तक एल जान यक में कुछ हमारे दगर यंग पीढ़ी का भी क्या जान दो आप प्राची कलश विषय में ये हमारी यहाँ की प्राकृतिक वो है सांस्कृतिक है और इसको हम जब करते हैं तो क्या सोचते हो भगवान श्री राम के विषय में बीच में आपल रामलीला में बहुत काम कर रहे हुए में हर चीज़ में रोल भी अदा करी तो रामचंद्र जी की आखिर आज झांकी निकल में एक विषय में क्या बोल दिया आपकी झांकी के एक विषय में निकल में ये वहाँ क्या कहते हैं राम वहाँ अयोध्या में राम रामचंद्र का स्थापना हो रही है वहाँ उनका मंदिर बना है तो उसके उसके उस पर ये यहाँ पे झांकी निकाली जा रही है। आप ये झांकी में शामिल हो ली मतलब भक्तिपूर्ण ढंग से या ये नहीं आ गए भक्तिपूर्ण ढंग से हम तो रामनगर से इसलिए आए थे अच्छा खास तौर पर अच्छा पिछले बार दो बार आप रामलीला में बहुत बढ़िया पाठ करी और आज रामलीला की कमेटी की तरफ से झांकी निकल रही तो क्या लगन आप था कि रामचंद्र जी प्राण प्रतिष्ठा में या मंदिर बन में ये कहने भविष्य में क्यों सोच दिए आप बहुत अच्छा सोचते हैं और हमें लगता है कि जब से हमने रामलीला करी है उसके बाद अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं तो हमें लगता है उन्हीं की कृपा है और उन्हीं की कृपा से आगे कार्य होते रहेंगे। कभी मौका मिला तो वक्त जेला अयोध्या हाँ जी बिल्कुल हमने तो प्लान जाने का। ये यंग लड़की छे अमरदगढ़ जो कि झांकी में निकल दी आपका नाम प्रतिभा प्रतिभा जी रामलीला में तो रोल कर में जो तुम वो एक बात आज रामलीला झांकी निकल रहा है तो क्या जान दिया आप रामचंद्र जी विषय में यही कि राम भगवान जी इस जो अयोध्या में मंदिर बन रहा है राम उसका 22 जनवरी को उद्घाटन है तो इसी के विषय पर यहाँ पे झांकियाँ दिखाई जा रही है और यहाँ पे बहुत सारे गांव के यहाँ पे अपना वो दिखा रहे हैं कि हाँ कि हम उस वजह से आए हैं राम मंदिर के उद्घाटन की वजह। प्रकाश मेंदुले जी बहुत बड़ो नाम अरे कृष्ण भक्ति में या हम भागवत कथा बात करो तो एकदम कंटस्थ याद और आज एक प्रकाश चंद्र मेंदुले जी भी हमारे बीच में छी जो कि श्री रामचंद्र जी की ये कलश यात्रा में एक में पहुँच रही सर कन लगमा आज आपके क्षेत्र में यह कलश यात्रा निकल रहा है और कई 550 साल बाद ये मंदिर का स्थापना हो रहा है और आप तो बड़ा विद्वान आदमी भी छी भागवत कथा तभी बोल दी रामचंद्र जी की पूरी कथा तभी जान दी तो एक विषय में जरा कुछ प्रकाश डाल दा आप जरूर। हाँ साहब ये बहुत एक बड़ो खुशी और बहुत अपार खुशी हो कि समय छो इन मौके पर जो हिंदुत्व जागृति का अर्थव्यवस्था जो जो कना छी और हमारा शीर्षस्थ नेताओं द्वारा जो ये बहुत बढ़िया सुंदर जो कार्यक्रम छ समस्त पूर्ण भारत में न कि विदेशों में शायद एक बहुत बड़ी चर्चा हुई और यो हिंदुत्व जागृत करना खण न कि एक पार्टी विशेष या व्यक्ति विशेष भगवान नीच जबकि यो समस्त जो एक लोक का है समस्त संसार का है भगवान राम जो है एक सभी के हैं तो उनके प्रति इस प्रकार की जागृति के लिए जिन महानुभावों ने इस प्रकार का एक कदम उठाया है उनका जो है बहुत बड़ा आभार है उनके लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद है उनकी ऐसे महान विभूतियों के लिए जो है परमात्मा उनको बहुत दीर्घायु करे उनको जो है श्रेष्ठ बुद्धि दे और समस्त जनता को साथ में जो भगवान राम सौहार्दपूर्ण व्यवहार के साथ में राममय यदि ऐसा व्यवहार बन जाए राममय यदि संत संपूर्ण समस्त लोगों का यदि मन बन जाए तो ये बड़ी खुशी और अपार खुशियों का ये समय है। सर जब रामचंद्र जी जन्म से अतिरिक्त मत एक राम राज्य आया गया बहुत सुंदर वो परिवेश आ गई भगत पर और अब रामचंद्र जी मन मतलब मंदिर बन गया यख में अयोध्या में जो कि 550 साल लगभग बाद बन रहा है वो एक बात द्वापर भी निकल गया वो एक बात कलयुग आ गया और कलयुग में भी बहुत समय गुजर गया तो हम क्या उम्मीद कर दो अब अगले खंड की मतलब राम राजा की स्थापना हुए सकते इन कुछ
जैसे हिसाब से जो इसका जागृति आ रही वही हिसाब से पता लगना चाहिए कि 22 तारीख तक शायद कि कहीं भगवान राम का ही अवतार हो जाए, है ना, क्योंकि भक्त के बस में होते हैं भगवान। इतनी भक्ति भक्ति यदि बढ़ करके हो जाए तो हो सकती भगवान राम को अवतारी साक्षात हो जाओ और पुनर् राम राज्य की जो स्थापना हो जाओ। ये इन बढ़िया माहौल जियो इन समय पर। हमारे गाँव के नाम भी पूरी राम भक्ति चल रहा है, बड़ा बड़ा लोग प्रफुल्लित जी। तो आगे हम क्या लग रहा कि ये राम मंदिर बनने से लोगों का आचार व्यवहार में कुछ फर्क पड़ा कुछ थोड़ा बहुत आणचंद ये से पता लगत कि भाई इन प्रकार की यदि जागृति लगातार चल नहीं रही तो प्रत्येक मानव के अंदर एक राम की भावना और एक सद्विचार की उपमा भावना जो एक प्रकार के कार्यक्रमों से इस प्रकार ये प्रकार के माहौल से सबके अंदर जो जागृत होने चाहिए और हम तक इन लगत कि शायद राम राज्य की पुनर्स्थापना हो जान चाहिए। बहुत सुंदर 12 अवतार होगी विष्णु भगवान का जन्म बोलते छी और वे में त्रेता युग में रामचंद्र जी को आए तो द्वापर युग में कृष्ण जी को आई तो जरूर हम आप ब्यास भी छी और जरूर आप और मुगार बिंद से संस्कृत में कुछ सुन चोला ये विषय में चाहे राम जी के विषय में या कृष्ण जी के विषय में श्लोक का रूप से सुन चला। ओम नमः परमहंसा स्वादित्य रस चरण चिन्ह कमल मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामाय नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। बहुत बहुत सुंदर धन्यवाद। और पब्लिक क्या बोल रहे सर आप अपने क्षेत्र का विशेष का अपने क्षेत्र बात कर दो हमारे क्षेत्र का लोगों ने क्या बोला कि रामचंद्र जी को मंदिर की प्रारंभ प्रतिष्ठा हो गया तो आचार व्यवहार में क्या करना है आगे खंड क्या रहा प्रवेश इन प्रकार से जो प्रत्येक था राम का प्रति और उन हमारा इष्ट देवताओं के प्रति जो इन प्रकार की भावना होनी चाहिए और बड़ी खुशी होनी चाहिए कि इन लोगों एक बार बोलने के बावजूद तमाम हमारी माताएं बहनें जो हैं सब आकर के और ऐसे कार्यक्रम में जो है शरीक हो रही हैं तो इसी प्रकार से भगवान राम उनके अंदर जो है रामत्व हिंदुत्व और धर्मत्व की भावना जो है प्रत्येक के अंदर इस प्रकार से पुनर्स्थापित हो ये जनता के लिए बहुत बड़ा संदेश है। धन्यवाद आचार्य महोदय। ये छा हमारे दगड़ प्रकाश चंद्र जी और उन दगड़ हमारे बात कर ये पूर्व प्रवेशा विषय में जो आजकल भक्तिभाव चल रहा है हम एक बेटी सिरकेत बेटी नागराज मंदिर बेटी दर्शन सिंह रावत म्यार दगड़ जी विनेश शर्मा जी धन्यवाद। जयत्रानंद पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। जावा